का नाम है डाइफ्रेक्शंस ऑफ लाइट भी, डाइफ्रेक्शन ऑफ ए लाइट। डाइफ्रेक्शंस क्या है, एक तरह का इंटरफेरेंस ही है भी। इंटरफेरेंस में क्या लिखा था हम लोगों ने, इट इज़ द सुपर इम्पोजिंग ऑफ टू वेव्स और इक्वल फ्रिक्वेंसीज, यस और नो। इसमें क्या होगा, लाइट सुपर इम्पोज करेगी एक सिंगल फ्रिक्वेंसी, सिंगल सोर्स से ही, उसको क्या बोलेंगे, डाइफ्रेक्शंस। इसका डेफिनेशन नहीं है भाई, एक तरीका इसको हम समझने का कि डाइफ्रेक्शंस क्या है। डाइफ्रेक्शन इज द टाइप ऑफ इंटरफेरेंस, कर लोगे। आगे लिखिए इसमें होता क्या है डाइफ्रेक्शंस में, लिखो लिखिए, इट इज द फिनोमिना, इट इज अ फिनोमिना इन विच लाइट बेंड्स, इन विच लाइट बेंड्स बेंडिंग, क्या लिखा था मैंने, लाइट बेंड्स अराउंड द कॉर्नर्स भी, लाइट बेंड्स अराउंड द कॉर्नर्स ऑफ द ऑब्स्टेकल्स भी, अराउंड द कॉर्नर्स ऑफ ऑब्स्टेकल्स, ओ बी एस टी ए सी एल ई। ऑब्स्टेकल्स क्या होते हैं, रुकावटों के कोनों से लाइट का बेंड होना भी, ओके। एंड मेकिंग ए पैटर्न ऑन द स्क्रीन भी, मेकिंग ए पैटर्न ऑन द स्क्रीन। पैटर्निंग में क्या बना, अगेन डार्क और ब्राइट फ्रिंग्स बने भी, सही है। अब बेंडिंग का मतलब क्या है भी, देखो सीधी सी बात, लाइट का बेंड होना और लाइट को स्प्रेड हो जाना भी, बेंडिंग होने के बाद फैल जाना लाइट का भी स्क्रीन के ऊपर। इसका सिंपल तरीका ये है, आप दो ब्लेड यूज करो, रेजर ब्लेड जिसे सेविंग करते हैं, दो, उससे बिल्कुल कम स्पेस रखिए अभी, इस तरह से भी, एक ब्लेड ये हो गया, एक ब्लेड बिल्कुल कम स्पेस में, और इसको बल्लब देखिए इसमें से, इस स्पेस में से उसके शार्प एजेस होंगे, वहाँ से लाइट क्या करेगी, फैलेगी या स्प्रेड हो जाएगी। आपको जब बल्ब देखोगे ना, आपको ऑब्जर्व होगा, एक बार अंधेरा हो रहा है, एक बार लाइट आ रही है, ऐसे तो घर पर जाकर कर सकते हो, सिंपल एक्सपेरिमेंट है ये डाइफ्रेक्शंस का भी। समझ में यार, बिल्कुल नज़दीक करके ब्लेड्स को, रेजर ब्लेड्स को बल्ब देखना भी, आप क्या दिखाई देगा आपको, एक बार डार्कनेस आ रही है, एक बार ब्राइटनेस आ रही है, वहाँ से तो पैटर्न दिख रहे हैं आपकी आंखों को भी, डार्क और ब्राइट फ्रिंग्स के भी, सही है। तो वहाँ पे लाइट क्या हो रही है, इन कोनों से फैल रही है, ठीक है भाई। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डाइफ्रेक्शंस बोलते हैं। ज़्यादा डीप में करना नहीं है टॉपिक, सिंपल पॉइंट करने हैं इसके। आगे लिखिए इसी का पॉइंट, समझ में आया आप लोगों को क्या मीनिंग है इसका, लाइट का कोनों से फैलना भी, कोनों से बेंडिंग होना लाइट की भी, क्या बोलते हैं इसको, डाइफ्रेक्शंस। ये सिंपल डेफिनेशन, एक्चुअल में क्या हो रहा पता है, डाइफ्रेक्शंस में पोलराइजेशन ही हो रहा है अभी, जिसमें हम सिंगल सोर्स की लाइट का यूज़ कर रहे होंगे अभी। कैसे, पोलराइजेशन कराने के लिए, सॉरी क्या बोलते हैं इसको, इंटरफेरेंस करवाने के लिए दो सोर्स चाहिए मेरे को, S1 और S2। लाइट क्या करेगी, सुपर इम्पोज करेगी, और दीवार पे क्या मिलेगा मेरे को, एक पैटर्न दिखाई देगा अभी, यस और नो। अब इसमें एक सिंगल सोर्स ही है बस, लाइट ऐसे आ रही है अभी, इन टर्म ऑफ वेव फ्रंट्स। और हुगेन्स थ्योरी क्या बोलती है कि एवरी पॉइंट ऑन द वेव फ्रंट एक्ट एज द न्यू सोर्स ऑफ लाइट वेव। जब ये न्यू सोर्स लाइट बन रही है, तो इनकी खुद की भी क्या करेंगे, सुपर इम्पोज करवाएंगे लाइट्स भी, तो इसकी खुद की लाइट के क्या करना, सुपर इम्पोज करना भी, क्या बोलते हैं, डाइफ्रेक्शंस बोलते हैं। समझ में आया, अभी सुपर इम्पोज ही कर रही हैं, तो अभी क्या, किसका पार्ट है, इंटरफेरेंस का ही पार्ट है ये भी, कर पाओगे। फर्क क्या है, इसमें सिंगल सोर्स है, उसमें क्या है, डबल सोर्स है, ये मोर देन टू सोर्स यूज़ कर रहे हैं, हो जाएगा, ठीक है। तो इसका एक्सपेरिमेंट क्या है अभी लिख लीजिए, इसके बाद लिखिएगा सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट भी, सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट। SLI ठीक था क्या, यू नो टाइप्स वगैरह दे रखे हैं, कुछ नहीं हुआ इसलिए उसमें इतना ऐसा नहीं है। सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट भी, ये एक एक्सपेरिमेंट क्या, देखो एक बार डायग्राम आपको अभी नहीं बनाना, अभी एक बार समझ लीजिए डायग्राम को, सारा टॉपिक समझने का अभी क्लास, बुक में थ्योरेटिकल दे रखा है पूरा टॉपिक्स भी, इतने भागों में बांटिए, इतने भागों में बांटिए, आपको समझ नहीं आया क्या रहा है टॉपिक के अंदर, ठीक है। तो थोड़ा सा दिमाग खुल लीजिए, हमारे पास सिंगल स्लिट है अभी, ये मान लेते हैं, ये स्लिट है अभी, और एक लाइट का सोर्स अभी यहाँ पे,
इट इज एस, एस इज द सोर्स ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट। अभी यूज कर रहा हूँ मैं, किसको यूज कर रहा हूँ, मोनोक्रोमेटिक लाइट को भी। लाइट दे रहा होगा चारों तरफ, देख लाइट ये। ओके मेरे को एक बीम चाहिए लाइट का, भी क्या करूँ, बीम तो मिलेगी नहीं यहाँ से, चारों तरफ लाइट मिलेगी। लेंस यूज कर लूँगी, एक लेंस यूज कर लेता हूँ, कोई खास जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी कर लेते हैं। इन्होंने भी किया हुआ एक्सपेरिमेंट में, ये लेंस का फोकस पर रख दिया मैंने पॉइंट, ये फोकस है इसका, तो लाइट जाएगी। जो लाइट फोकस से पास करती है तो क्या होता है, आफ्टर रिफ्रैक्शन इट इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस भी, ये सर ना स्लिट सी है मान लेते हैं, इट इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये सर ना। लेंस में क्या होता है, लाइट जब फोकस से पास होती है आफ्टर रिफ्रैक्शन इट इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये लाइट यहाँ से निकाल दो, तीन बीम निकालने पड़ेंगे। ये किसे पास करती है, ऑप्टिकल सेंटर से स्टेट जाएगी, यहाँ तक तो समझ में आ रहा अभी आपको। और ये है हमारी वेव फ्रंट्स भी, कौन सी वेव फ्रंट बनी अभी, प्लेन वेव फ्रंट्स भी। यस और नो, इमेजिन करो भी स्लिट ना होती तो स्टेट चलती भी, सही है, तो उसको बना लेता हूँ। ये कैसे चलती है, स्टेट अब भी मेरे को एक फोकस चाहिए अभी, तो क्या लगा रहते हैं, एक लेंस और लगा दो, फोकस करवा दे स्क्रीन के ऊपर इस बीम्स को। तो यहाँ पे क्या लगा दिया, एक लेंस थोड़ा बड़ा लगा रहा हूँ, कोई जरूरत नहीं है, छोटे भी लगा सकते हो, डायग्राम अच्छा बने इसलिए कर रहा हूँ सारा काम ये, ठीक है। कोई कंडीशन नहीं, लेंस मत लगाओ तो भी काम चल जाएगा, कोई इन्होंने यूज़ किया इसलिए हम भी कर रहे हैं। ओके तो यहाँ पर स्क्रीन है अभी, ये स्क्रीन है, ये आफ्टर रिफ्रैक्शंस कहाँ पे फोकस होगा, स्क्रीन्स के ऊपर, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, डॉट से दिखा देंगे इसको भी। कुछ से आइडिया मिल रहा है ये पॉइंट क्या है, ये सेंट्रल मैक्सिमा अभी जहाँ पे मिल रहा था इक्वल डिस्टेंसेस के ऊपर दिखा रहा था, एक ओ पॉइंट था दोनों स्लिट से बराबर डिस्टेंस के ऊपर, ये ओ पॉइंट अभी हो गया। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ये जो कॉर्नर से स्ट्राइक करी लाइट से यहाँ पे भी तो बेंड तो होगी भी, क्योंकि ये टॉपिक यही बोलता है, लाइट बेंडिंग होगी थ्रू द कॉर्नर्स भी। अब लाइट जब बेंड होगी तो कैसे मुड़ेगी, ऐसे भी ये ऐसे मुड़ सकती है, मर्जी ऐसी, आप कोई भी एक पॉइंट यूज़ कर लो, लाइट फैलेगी ना चारों तरफ, इस तरह भी फैलेगी इस तरह भी फैलेगी भाई, या सर ना। तो एक का निकाल लेते हैं कोई का, कि ये फैलेगी तीसरी वाली, देख लो पानी की पाइप है, पानी की पाइप है जा रहा पानी, हाथ उड़ा दो साइड वाला तो मुड़ जाएगा, 20 बार थोड़ी मुड़ेगा भाई, सीधा जाएगा ऐसा होगा, अरे सारा पानी मुड़ेगा भाई, ये बीम है, पानी पाइप है ना, पानी जा रहा है ऐसे, हाथ लगा दो पूरा पानी मुड़ेगा, ऐसा नहीं 20 बार तो हाथ लगाया नहीं 20 बार मेरे, वो तो मुड़ेगा नहीं, और पूरा पानी मुड़ेगा ऐसे, तो पूरी बीम उड़ेगी भाई, यस और नो, समझ में आया कि नहीं आया। और आफ्टर रिफ्रैक्शन ये एक पॉइंट पे फोकस होगी, ये तो स्टेट चलेगा, सही है, ये पॉइंट पी है, याद आपको ये एक्स था भी, विड्थ में निकालते हो पॉइंट यूज किया था भाई, इंटरफेरेंस ही पड़ रहे हो, बड़ी बात नहीं है, कर पाओगे। ये भी वेव फ्रंट ही है जो यहाँ पे आ रही है, सही है कि नहीं है, ये एबीसी तो है, तुम लोग पता नहीं क्या बोल रहे, समझ में आ रहा है कि नहीं, ये ऐसे ही जा रही है वेव फ्रंट, ये कुछ एंगल होगा भाई, थीटा पे मुड़ी होगी, कुछ तो एंगल होगा। अब क्वेश्चन ये है, उसमें हम लोग याद, हमने पास डिफरेंस निकाला था भाई, कौन सी भी ट्रेवल कर रही है ज़्यादा डिस्टेंस, बी वाली ए वाली, बी वाली कर रही होगी, उसमें भी ऐसा ही हुआ था, ये वाला ज़्यादा था, कितने ज़्यादा ट्रेवल कर रही है, कैसे क्या निकाला था हम लोगों ने, बड़े में छोटा माइनस कर दिया था, ये तो सेम बिल्कुल सेम टॉपिक, अभी कर पाओगे, बस थोड़ा सोचना है इसके अंदर। इसमें क्या है, देखिए दो बीम अभी, एक ऐसे जा रही है एक ऐसे जा रही है, ए ये पी पॉइंट है, ये बी है अभी,
हमने क्या निकाला कैसे था, हमने वहाँ तो बीपी में से ये माइनस कर दिया था। यस सर नो, मैं ऐसा भी कर सकता हूँ, यहाँ से ड्रा कर दो एक परपेंडिकुलर भी, तो ये तो फालतू बचा हुआ है, यही है पाथ डिफरेंस। अरे तुम्हारा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई? यही तो है पाथ डिफरेंस, एक्स्ट्रा तो यही है, ये बराबर हो गया भाई ये और ये। यस सर नो, ये काम यहाँ पे करूँ, यहाँ से ड्रा करूँ एक परपेंडिकुलर भी इस लाइन के ऊपर, ये जो एक्स्ट्रा ये तो पाथ डिफरेंस। समझ में आई बात है? Yes, इसको का नाम क्या दें, एम पॉइंट मान लो इसको, एम पॉइंट। डायग्राम समझ में आ रहा है अभी? Yes, बनाओ फिर। लिखिए लेट एस इज द, लिखो लेट एस इज द सोर्स ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट, एस इज द सोर्स ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट एंड इट गिव पैरेलल बीम, इट गिव पैरेलल बीम आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू लेंस L1, आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू लेंस L1, L1 से जो लाइट पास करेगी उसके बाद बीम्स क्या हो गई हैं, पैरेलल हो गई हैं। अभी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अभी आगे लिखिए, अगर स्लिट ना हो भी, लेकिन एक बार लिख लेते हैं, लेट ए बी इज द स्लिट, ए बी वेव फ्रंट बन रहा हूँ, ए बी क्या मेरा स्लिट की विड्थ वही है भाई इसकी, ए बी इज द स्लिट ऑफ विड्थ ए, कितनी विड्थ ले लेते हैं इसकी, ए स्मॉल ए बी, ओके ए बी इज द स्लिट ऑफ विड्थ ए। अगर ये स्लिट ना होती तो बीम्स कहाँ मिलती जाके, अभी ओ पॉइंट पे लिख लीजिए, इफ देर इज नो स्लिट बीम फोकस एट पॉइंट ओ आफ्टर रिफ्रैक्शन भी। ओ पॉइंट क्या स्क्रीन पे भी, ये पॉइंट कर पाओगे, फोकस एट पॉइंट ओ ऑन द स्क्रीन लिख सकते हो, ऑन द स्क्रीन आफ्टर रिफ्रैक्शन भी हो गया, रिफ्रैक्शन कंप्लीट भी। आगे लिखिए, लाइट बीम बेंडिंग एट एंगल थीटा ऑन द कॉर्नर ऑफ स्लिट and meet at point P on the screen, and meet at point P on the screen। बस इतना ही लिखवाना है थियोरेटिकल्स में मेरे को, हो जाएगा अभी? तो ये आपको निकालना है, पता नहीं P जो बना हो मैक्सिमा है कि मिनिमा, पता करना पड़ेगा भाई, ब्राइट फ्रिंग्स है कि डार्क फ्रिंग्स है, पता करना होगा ये हमको, सारी चीज़ बात सब कुछ निकालना होगा यहाँ से भी, हो जाएगा अभी क्लास। अब ये देखिए, ये क्या है अभी, ये एंगल कितना है, निकाल सकते हो अभी क्लास, ये वाला एंगल एक्स मान ले, ये 90 है भाई क्लास, ये कितना हो गया 90 माइनस थीटा, ये पूरा 90 है, 90 माइनस थीटा प्लस एक्स इक्वल टू 90, तो कितना आना है, ये थीटा ही आना। निकाल पाओगे कि निकाल पाओगे, सारे टॉपिक हम पहले भी कर चुके हैं, एंगल निकालने का तरीके भी। यस सर नो, तो क्लास क्या आपको पाथ डिफरेंस निकाल सकते हो, पाथ डिफरेंस लिख दीजिए, बीएम क्या है भाई, बीएम इज द पाथ डिफरेंस, सही है कि नहीं है, बीएम क्या है, पाथ डिफरेंस भी, ये ड्रा कर दिया परपेंडिकुलर इस लाइन के ऊपर, तब निकला ये, हो जाएगा। क्या आप बीएम की वैल्यू निकाल सकते हो इन द ट्रायंगल ए बी एम, दिख रही है, इन द ट्रायंगल ए बी एम, दिस ट्रायंगल भी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन थीटा, इस ट्रायंगल के अंदर साइन थीटा किसके बराबर होगा, ए बी एम, इसमें कौन है बेस, ए एम इज द बेस,
दो एंगल बने हुए हैं, ये क्या है परपेंडिकुलर, कित कैसे लिखोगे बी एम बाई ए बी, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी एम, ए बी ए बी है ए बी साइन थीटा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए बी, ये ए था भाई ए साइन थीटा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कर पाओगे यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है इस टॉपिक में करने में भी। अब प्रॉब्लम शुरू होगी भी इसकी, अब ये पैटर्न बन रहे हैं दीवार पे भी, वहाँ पे बने थे डार्क और ब्राइट पिंक्स बने थे भी क्लास, वहाँ तो पूरा मैथमेटिकल पूरा हो गया था अभी टॉपिक्स, यहाँ तो नहीं हो पा रहा अभी। अब ये बोलना चाहता आपको कि ब्राइट क्यों बना और डार्क क्यों बना, अभी कंस्ट्रक्टिव क्यों हुआ डिस्ट्रक्टिव क्यों हुआ अभी, ठीक है लिख लीजिए अभी, मिनिमा लिखिए अभी, मैक्सिमा नहीं है ये, फोर मिनिमा, ये आंसर मिनिमा के लिए कर रहे हैं हम लोग अभी। पहला पॉइंट लीजिएगा फोर मिनिमा भी हो जाएगा, लिखिए व्हेन पाथ डिफरेंस इज लैम्डा भी, अगर पाथ डिफरेंस लैम्डा हो जाए तो क्या होगा भी, देखो अगर पाथ डिफरेंस लैम्डा हो जाएगा तो वेव ऐसा बनना है अभी, ये लैम्डा हो गया अभी, ये सर नो, तो इसने क्या बोला कि जो ये सलीट है ये जो वेव फ्रंट है ये दो भागों में बटी हुई है, अपर हाफ अपर भाग देगा अपर हाफ वेव और लोअर भाग देगा लोअर हाफ वेव, जो सलीट है सलीट मान लिया वेव फ्रंट ए बी मानिए, आपको पता है कि वेव फ्रंट ए बी पे हर एक पॉइंट किस तरह वेव करेगा सोर्स करेगा, अभी दो भाग में बटी हुई है अभी, ऊपर वाले देंगे अपर हाफ वेव नीचे वाले देंगे लोअर हाफ वेव, सुपर इम्पोज करवाओ इसी को वेव को, ये ऐसे सुपर इम्पोज होगा अभी, इसी का इसके साथ हुए क्योंकि सिंगल वेव यूज़ करते हैं हम लोग, यस आर नो, यस आर नो, कंस्ट्रक्टिव के डिस्ट्रक्टिव है, ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, जब करस्ट कहाँ पे गिरता है टर्फ पे गिरता है फिर, तो ब्राइट बनेगा कि डार्क बनेगा, डार्क बनेगा अभी, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हो जाएगा देखिए पर सुन लीजिए क्या बोल रहा हूँ मैं, जब वे जब पाथ डिफरेंस लैम्डा था उसने क्या बोला, इस बुक में लिख रखा है वी कैन डिवाइड द सॉलिड इनटू टू पार्ट्स, वन पार्ट की अपर हाफ हो नेक्स्ट पार्ट की लोअर हाफ हो, याद नहीं हो सकते पॉइंट्स भी आपको, वे बनाओ बना दिया दो भाग बन रहे हैं, एक भाग देगा अपर हाफ हो एक भाग देगा लोअर हाफ हो, सुपर इम्पोज कराओ क्या बनेगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, समझ में आया, जब पाथ डिफरेंस कितना हो गया टू लैम्डा हो गया, अभी कितना हो गया टू लैम्डा, तो टू लैम्डा कब हो सकता है, वे वैसे होगी एक और लैम्डा भाई, यस और नो, तो इसने क्या बोला वी कैन डिवाइड द वेव फ्रंट इनटू फोर इक्वल पार्ट्स भी, कितने वन टू थ्री फोर, वी कैन डिवाइड द वेव फ्रंट इनटू फोर इक्वल पार्ट्स, टू पार्ट्स गिव अपर हाफ वेव टू पार्ट्स गिव लोअर हाफ वेव आफ्टर सुपर इम्पोजिंग, ऐसे आंसर आएगा, अभी भी क्या है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, अभी भी क्या बनना है डार्क बनना है, थ्री लैम्डा हो तो वी कैन डिवाइड द वेव फ्रंट इनटू सिक्स इक्वल पार्ट्स, ये पार्ट्स क्या बोल रहा है हैव्स बोल रहा है एच एल वी एस पार्ट्स ही होते हैं, ठीक है थ्री पार्ट्स गिव अपर हाफ वेव थ्री पार्ट्स गिव लोअर हाफ वेव, समझ में आया, अब भी क्या होएगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, ये समझ में आई बात आप लोगों को, ये इस वेव समझ में आएगा आपको, एक वेव कैसे सुपरइम्पोज कर रही है अपने आप के ऊपर भी, हो जाएगा दूसरा भाई, इसी में अगर मैं बोल दूं कि मेरा पास डिफरेंस 3/2 लैम्डा भाई 3/2 लैम्डा कितना होता है एक लैम्डा और हाफ लैम्डा भाई, यस सर नो, ये कितना है 3/2 लैम्डा, तो क्या बोला जाएगा दिस वेव फ्रंट डिवाइड इंटू थ्री पार्ट्स भी टू पार्ट्स गिव अपर हाफ वेव एंड वन पार्ट्स गिव लोअर हाफ वेव सुपर इम्पोज कराओ ऐसा बनेगा ये बच जाएगा इसमें मैक्सिमम मिलेगा आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा ये तो खत्म ही हो लिया बच गया कौन ये इसका आंसर आएगा कुछ ना कुछ आपको तो आपको एक आंसर मिल रहे हैं मैक्सिमा कवर मिनिमा कवर समझ में आया टोटिकल थियोरटिकल अभी बस इस बात समझिए जो हम वेव बना रहे हैं हो जाएगा मैंने क्या लिखवाया पहला पॉइंट है व्हेन पाथ डिफरेंस इज लैम्डा ये लिखवाया ना देन वी डिवाइड लिखिए देन वी डिवाइड वेव फ्रंट ए बी वी डिवाइड वेव फ्रंट ए बी इनटू वी डिवाइड वेव फ्रंट इनटू
टू इक्वल हैव्स, एच ए एल वी ई एस, टू इक्वल हैव्स, एच ए एल वी ई एस, फिर एक दो ब्रैकेट में पार्ट्स भी, कोई दिक्कत नहीं है, ये टू इक्वल पार्ट्स भी बना लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इस चीज़ की, नाम दिए हुए हैं सिर्फ, टू इक्वल हैव्स, वन गिव अपर हाफ वेव, वन गिव अपर हाफ वेव एंड वन गिव लोअर हाफ वेव, सही है। देखो सीधी सीधी बात ये है भाई, जो ये वेव फ्रंट है इस पर पता नहीं कितने पार्टिकल्स हैं भाई, सही है, और हर पार्टिकल किस तरह बिहेव कर रहा होगा, सोर्स ऑफ लाइट, ये बोला जाता आपको कि आधे के ऊपर वाले सोर्स क्या दे रहे हैं, अपर हाफ वेव दे रहे हैं सारे भी, और नीचे वाले क्या दे रहे हैं, लोअर हाफ वेव दे रहे हैं, तो आंसर कितना आ रहा है, डिस्ट्रक्टिव का आ रहा है आंसर, भी कर लोगे तो ये लग जाए ना, अपर हाफ वेव एंड लोअर हाफ वेव। आके लिखिए आफ्टर सुपर इम्पोजिंग वी गेट डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिनिमा था ना, मिनिमा कर पाओगे। अभी मैं क्या वर्ड यूज कर रहा हूँ, इंटरफेरेंस वर्ड यूज कर रहा हूँ इसके लिए, समझ में आई बात भाई। आगे लिखिए व्हेन पास डिफरेंस इज 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा एंड सो ऑन, ये हूँ भाई, ठीक है। देन वी डिवाइड वेव फ्रंट इनटू, देन वी डिवाइड वेव फ्रंट इनटू, इसके लिए कितने में करेंगे, 2 के लिए 4, 6 एंड 8 इक्वल पार्ट्स भी एंड सो ऑन, यस और नो। देन वी डिवाइड वेव फ्रंट इनटू 4, 6, 8 एंड सो ऑन, इक्वल पार्ट्स भी हो जाएगा भाई। इनके भी क्या होंगे, अपर आधे क्या देंगे, अपर हाफ पे, और आधे क्या देंगे, लोअर हाफ पे। आफ्टर सुपर इम्पोजिंग क्या मिलेगा, डिस्ट्रक्टिव मिलेगा भाई, लिख लीजिए आफ्टर सुपर इम्पोजिंग वी गेट मिनिमा भी, सही है कि नहीं है। आफ्टर सुपर इम्पोजिंग वी गेट मिनिमा, ये बात समझ में आ रही तुम लोगों को, yes, कि एक वेव कैसे सुपर इम्पोज कर रही है उसी के साथ भी, हो जाएगा भाई। तो अगर इसका जनरल फार्मूला बनाया जाए तो पाथ डिफरेंस में मिनिमा कब मिल रहा है आपको भी, कितना मिल रहा है, पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए, ये एन पाई ले सकता हूँ, एन लेमडा भी, 1 पे भी मिल रहा है, 2 पे भी मिल रहा है, 3 पे भी मिल रहा है, 4 पे भी मिल रहा है एंड सोन भी, यस और नो। तो लिख सकते हैं ए साइन थीटा इज इक्वल टू एन लेमडा भी, वैल्यू थी पाथ डिफरेंस की ए साइन थीटा भी, क्या सर ना, तो इस पूरी कंडीशन में क्या मिल रहा है मेरे को, मिनिमा मिल रहा है, मिनिमा पूरा हो गया, एनी प्रॉब्लम क्लास, फॉर मैक्सिमा क्लास, सेकंड पॉइंट डालिए फॉर मैक्सिमा, लिखिए व्हेन पाथ डिफरेंस इज कितना होगा, 3/2 लैम्डा, अगर पाथ डिफरेंस कितना हो जाए, 3/2, इनके बीच क्या कर रहे हैं हम लोग अभी पॉइंट्स, 3/2 लैम्डा, लैम्डा मान लेते हैं तभी मैक्सिमम मिलना है, तो कितना आंसर आएगा अभी, ये वेव ऐसे बनेगी, ये लैम्डा और ये हाफ लैम्डा भी, कर पाओगे। तो इस पूरी वेव फ्रंट को कितने भागों में बांटा जाएगा, 3 भागों में बांटा जाएगा अभी, 2 भाग देंगे अपर हाफ पे हो और 1 भाग देगा लोअर हाफ पे हो, सुपर इम्पोज करने के बाद कुछ तो कुछ बचेगा अभी, कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, लिख लीजिए इतना हो गया भाई, वन पाथ डिफरेंस इज 3/2 लैम्डा, देन वी डिवाइड वेव फ्रंट इनटू 3 इक्वल पार्ट्स या हैव्स, जो भी आप यूज करते हो वर्ड, 3 इक्वल पार्ट्स, 2 पार्ट्स गिव अपर हाफ वेव एंड 1 पार्ट गिव लोअर हाफ वेव, 2 पार्ट्स गिव अपर हाफ वेव एंड 1 पार्ट्स गिव लोअर हाफ वेव, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो आप जब ये सुपर इम्पोज करेंगे वेव एक दूसरे के पास, आंसर क्या बनेगा आपका, आंसर ये बनेगा वेव, इस पे सुपर इम्पोज करेगी ये वाली, ये बच जाएगी, यस सर ना, देख लीजिए
आफ्टर सुपर इम्पोजिंग, आफ्टर सुपर इम्पोजिंग वी गेट मैक्सिमम, यानी कंस्ट्रक्टिव बन रहा है मेरा, वी गेट ए मैक्सिमम। समझ में आया कि नहीं आया अभी, सही है कि नहीं है? yes, इसके बाद लिखिए व्हेन पाथ डिफरेंसेस, रब कर देंगे, जरूरत नहीं बनाने की, ये तब तरीका है सिर्फ समझने का भी। व्हेन पाथ डिफरेंसेस 5/2 लैम्डा, 7/2 लैम्डा, 9/2 लैम्डा एंड सो ऑन। When path difference is 5/2 lambda, 7/2 lambda, 9/2 lambda and so on, then we divide wavefront into 5, 7, 9 and so on, equal parts. 5, 7, 9 equal parts. And after superimposing, after superimposing, we get destructive interference. After superimposing, we get constructive interference. We get constructive interference or maxima. सही है? हो जाएगा भाई? इसका जनरल फॉर्मूला क्या बनेगा? बताओ मेरे को, क्या बनाऊँ? कितना आएगा? पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए मैक्सिमा के लिए? 2n+1 λ/2, 2n+1 λ/2, n को 1 करके देखो कितना आंसर आएगा, 3/2, 2 करके देखो 5/2 आएगा, यस और नो? एंड सो ऑन कर लोगे? जीरो yes. किसके लिए है क्लास, मैक्सिमा के लिए कि मिनिमा के लिए? जीरो, मैंने जीरो ना तो उसमें यूज किया ना, इसमें यूज कर रहा हूँ जीरो। जीरो किसके लिए फिक्स हो गया? मैंने आपको बोला था ये पॉइंट सेंट्रल मैक्सिमा है, जीरो के लिए ये, यस और नो? जीरो पे क्या बनना है? मैक्सिमा बनना है भाई। कर पाओगे? समझ में आया कि नहीं आया? इट इज़ कॉल्ड ए सेंट्रल मैक्सिमा बोलते हैं इसको, ये जीरो पे ही बनता है। पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। हो जाएगा? तो दो कंडीशन आ गई भाई, 2n+1 λ/2 और n λ/2 मिनिमा के लिए। अब इस एक्सपेरिमेंट के दौरान जो स्क्रीन पे दिखाई दिया अभी, वो बना रहा हूँ अभी आपको मैं, आपको मैंने वहाँ पे ग्राफ बनाया था याद हो आपको भी? अब प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, इतनी लाइट दूर जाएगी भी, जितना लैम्डा बढ़ेगा उसका इंटेंसिटी कम हो जाता है, सही है कि नहीं है? अब प्रॉब्लम क्या है, लगातार लाइट की इंटेंसिटी क्या हो रही है, कम हो रही है अभी, यानी इक्वल इंटेंसिटी लाइट नहीं बन रही भाई। दूसरी बात है इक्वल स्पेसिंग पे नहीं बन रही, ये भी ऑब्जर्वेशन आई। देखो कैसे ग्राफ बनने वाला है, रब कर दे भी इसको डायग्राम को। ये एक्सप्लेनेशन है ऐसा क्यों हुआ और क्या मेरा इसको, ये भी बता रहा हूँ आपको मैं। किसके बीच में ग्राफ था? ये लैम्डा के बीच में था ना, लैम्डा और इंटेंसिटी के बीच में ग्राफ था भाई, मैंने बना चुका है पहले। हम लोग यहाँ पे क्या था, इंटेंसिटी, पहले ग्राफ ही बना लेते हैं उसके बाद लिखेंगे। याद है ग्राफ? ये थोड़ा सा अलग है, इक्वल नहीं है पहला पॉइंट, वहाँ पे इक्वल थी। दूसरी बात इक्वल स्पेसिंग की नहीं है, ये पहला पॉइंट, सेकंड पॉइंट था। तो सेंटर पे क्या मिल रहा था, मैक्सिमा था भाई, यस सर ना? उसके बाद मैक्सिमा कहाँ बना था, चेक करो। उसके बाद इसके देखिए, इसके तुरंत बाद क्या रहा है, मिनिमा आ रहा है अभी, आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये लैम्डा था, लैम्डा मिनिमा बन रहा था। उसके बाद नेक्स्ट मिनिमा कहाँ बन रहा है, 2 λ पे, नेक्स्ट 3 λ, उल्टा करें तो इस तरफ -λ -2λ -3λ, ये पॉइंट आ गया भाई, सही है कि नहीं है? अब इनके मैक्सिमा कहाँ मिल रहे थे, इस पॉइंट पे कितना था, 3/2 λ, यहाँ पे 5/2 λ, यस और नो? यहाँ पे भाई सेम इस तरह से कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? अब प्रॉब्लम ये है, बातें नहीं करनी, प्रॉब्लम ये है इसमें विड्थ कैसे निकालें, विड्थ इक्वल है नहीं, तो इसलिए क्या किया भैया, एक ही के निकाल लेता हूँ जो बड़ा है। अगर आप टॉर्च लाइट मारो ना, बीच में सबसे बड़ी ब्राइटनेस बीच में बनती है अभी, आज करके देना एक्सपेरिमेंट, ये घर पर जाके टॉर्च में LED नहीं होना चाहिए, बल्ब होना चाहिए,
टॉर्च में बल्ब वाली टॉर्च वाली डालती है ना, उसको एलईडी भी देख लेना एक बार चल के हो रहा है नहीं उस रहा। अरे कोशिश करो जो पुरानी टॉर्च देखी लोहे वाली टॉर्च, उसकी कॉर्नर से लाइट बेंडिंग होती अच्छी तरीके से भी, ठीक है। लाइट तो दीवार पर मारोगे ना ऐसे लगेगा बीच में सबसे ज़्यादा ब्राइट बीच में मिल रहा है अभी, उसको एक हल्की सी डार्कनेस आई है फिर एक हल्की सी ब्राइटनेस आई है, वो इंटरफेरेंस क्या है वो डाइफ्रेक्शन पैटर्न बन रहा है अभी, यही है वो कर पाओगे। अब ये है कि हर एक का विड्थ अलग है भाई, निकालना पॉसिबल नहीं है, तो क्या करते हैं सेंटर वाले निकाल लेते हैं कि मैक्सिमा कितना बड़ा का बड़ा बन रहा है मेरा। तो मेरा नेक्स्ट पॉइंट रहेगा कि इसका विड्थ कितना है अभी, इसका विड्थ कैसे निकालोगे क्लास, डायग्राम बना लिया भाई आएगा। अभी हम निकालते हैं, देखिए ये हो गया भाई बातें नहीं, अभी हम निकालते हैं विड्थ। ये कौन से चौकली आई डस्ट डालना विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम, हमें निकाल ली। नेक्स्ट पॉइंट बनाइएगा विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम क्लास, सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ कैसे निकालोगे बताओ, कौन सी विड्थ है सेंट्रल मैक्सिमा की, ये है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, देखो ये है पूरी। अगर स्क्रीन पे बात करें, स्क्रीन की स्क्रीन को देखूं, पी पॉइंट कहाँ पे है इसमें भी, पी पॉइंट कहाँ पे है सेंटर ये रहा, ओ पी पॉइंट ये है अभी जिसको आप मानना मैक्सिमा की मिनिमा वाइस आप कर पाओगे। देखो अगर मैं बात करूँ विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, ये क्या एक्शन पता है आपको, इट इज अ विड्थ बिटवीन टू मिनिमा भी, फर्स्ट टू मिनिमा भी, ये दो मिनिमा के बीच का डिस्टेंस है अभी। डॉक्टर देखो मैं इसको एक का निकाल लेते हैं, यानी एक्स निकाल लो, एक्स सही है उसका डबल कर दूँ आंसर हो जाएगा मेरा, सही है कि नहीं है, एक्स निकाल लें स्क्रीन पे एक्स था वो निकाली, एक्स ही यहाँ तक था अभी, डबल कर दें पूरी विड्थ निकलेगी। देख लीजिए विड्थ क्या होती है, विड्थ ऑफ सेंट्रल क्या था मैक्सिमा, इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन, लिखो इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट टू मिनिमा भी, फर्स्ट टू मिनिमा रब कर दें भाई इसको, यस और नो। अब एक चीज़ और रखिएगा, मान लेते हैं कि लेंस L2 स्लिट के नज़दीक है अभी, लिख लीजिए लेट लेंस L2 इज नियर टू स्लिट, नियर ही होता है एक्चुअल में भी, लेट लेंस L2 इज नियर टू द स्लिट, तो डायग्राम कैसे बनेगा अभी, ये स्क्रीन है एक लेंस सीधी जाएगी उसको दिक्कतें नहीं है, लेंस से ऑपरेटर सेंटर से पास करेगी, ये इसके नज़दीक हो जाए लेंस बिल्कुल नज़दीक यहाँ पे भी, ये लेंस बना रहा हूँ छोटा सा दिखाना नहीं आपको क्योंकि बना लीजिए कोई दिक्कत नहीं है ऐसे, ठीक है। तो ये बीम डायरेक्ट मुड़ेगी यहाँ से भी, ये ऐसे नहीं मुड़ेगी ऐसे जाके फिर वो जिसमें दिखाई दे रही थी आपको, ये सही है कि नहीं है, वहाँ पर क्या दिख रहा था ये ऐसे जा रही है फिर ऐसे जा रही है ऊपर से, दो जगह मुड़ रहे थे हम लोग बीम्स को भी, एक्चुअल में यही होता है, ठीक है। तो कितनी मुड़ी थी बीम्स एट एंगल थीटा, यस और नो, ये कितना डिस्टेंस था ये डी था, ये कितना था ये एक्स था, तो एक्स निकालना कोई बड़ी बात नहीं यहाँ से, यस और नो। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ये पॉइंट क्या है अभी, ये तो मेरे को मानना पड़ेगा मिनिमा अभी तभी पॉसिबल है, ये वो है ये ऐसे बन रहा है यहाँ पे आएगा, ये स्क्रीन ऐसा नहीं है, ये ओ है ये पी है ये ऐसे नहीं बन रहा मैक्सिमा, यस और नो। तो ये पॉइंट पी क्या है एक्चुअल में मिनिमा है अभी, मैंने आपको लिखवा द डिस्टेंस बिटवीन टू फर्स्ट टू मिनिमा अभी, व्हाट इज द कंडीशन ऑफ मिनिमा, मिनिमा की कंडीशन क्या क्लास, तो क्या लिखोगे ए साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा, लिखिए फोर मिनिमा एम आई एन एम ए फोर मिनिमा ए साइन थीटा इक्वल टू कितना आएगा एन लैम्डा, आपको व्हाट यूज किया फोर फर्स्ट मिनिमा भी, देखो मैं लिखा हुआ है ए डिस्टेंस बिटवीन टू फर्स्ट मिनिमा भी, यानी एन की वैल्यू कितनी है वन है अभी फर्स्ट मिनिमा भी, तो एन की वैल्यू कितनी है यहाँ से
इट इज वन, सही है कि नहीं है? तो ए साइन थीटा क्या ले सकता हूँ, इज इक्वल टू लेमडा, ए साइन थीटा इक्वल टू लेमडा। अगर एंगल स्मॉल हो, लिख दो हाथ में, एंगल्स आर स्मॉल, एंगल्स आर ए स्मॉल, तो क्या कर सकते हैं, साइन कोस टेंजेंट को छोड़ सकते हैं। तो क्या लिखोगे, ए थीटा इक्वल टू लेमडा, तो थीटा इज इक्वल टू ए लेमडा, सही है कि नहीं है? थीटा कितना आएगा, उल्टा कर दिया, लेमडा बाई ए, थीटा इज इक्वल टू लेमडा बाई ए। यहाँ तक कोई दिक्कत है भाई क्लास? दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट है भाई ये। समझ में आ रहा है, फर्स्ट आई अभी तो हो गया। अब जब मैंने क्या बोल दिया कि लेंस नज़दीक है इसके, तो ये बीम्स यहीं से चलेगी सारी, क्या इस ट्रायंगल से, ये पॉइंट सीधा बीच वाला, चेक करो एक बार सीधा, क्या इस ट्रायंगल से टेंजेंट निकाल सकते हो भाई? बुक में एक गलती कर रखी, यहाँ पे साइन निकाल रखा है, ये बुक में से काट देना पॉइंट को भी, बुक वालों ने साइन निकाल रखा है, एंगल हमेशा टेंजेंट से निकलता भाई। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वहाँ तो मैंने निकाल लिया भाई, किसी और तरीके से निकला था उसको, हमेशा एंगल ट्रायंगल से निकालना तो किससे निकलता है, टेंजेंट से निकलता, नहीं कि साइन से भी। रब कर दें इसको भी, लिखिए इन द ट्रायंगल्स सी ओ पी टेंजेंट थीटा बराबर है कितना भाई, एक्स वाई डी ले सकता हूँ, एक्स वाई डी, चेक करो। यस सर ना, आपको एक्स निकालना है, एंगल आर स्मॉल तो क्या ले सकते हैं, थीटा एक्स वाई डी, सही है कि नहीं है? इक्वेशन सेकंड भी, दोनों इक्वेशंस की लेफ्ट साइड बराबर हैं, सेम एंगल यूज करें हम लोग, तो राइट बराबर होनी चाहिए। तो लिखिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, रब कर दो डायग्राम भाई, एक्स बाई डी इज इक्वल टू क्या था भाई, लेमडा बाई ए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स भी, लेमडा बाई ए इंटू डी, हमें विड्थ निकालनी है अभी, विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, सेंट्रल मैक्सिमा अगर याद हो आपको, विड्थ डबल होनी चाहिए, 2x होना चाहिए, होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? ओ से x इतना नीचे भी है, तब जाके मैक्सिमा बना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो कितना हुआ, 2 लैम्डा डी बाई डी, एनी प्रॉब्लम, सॉरी लैम्डा डी बाई ए, दिस इज द विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, टॉपिक कंप्लीट। आदत नहीं है भाई, क्या करें।